हे एवरीवन, संडे को मैंने बनाया था पिज़्ज़ा। सो इसके लिए मैंने पिज़्ज़ा बेस मंगाए थे और चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों ही मेरे पास घर पे थे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, ओवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लिया था। जितनी देर में मेरा ओवन गर्म होता बाकी सारी प्रिपरेशन कर ली। ये मेरे पास बटर तो था नहीं, तो मैंने घी लगाया था दोनों पे ही, प्लेट में भी और पिज़्ज़ा पे भी, दोनों ही साइड पे लगा देंगे हम पिज़्ज़ा के। देन ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस था मेरे पास, तो मैंने वो लगाया। अगर आपके पास नहीं हो तो आप सॉस और मेयोनीज़ मिक्स करके भी लगा सकते हैं। देन उसके बाद मैंने इसमें डाली थी मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ से ना पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और काफ़ी चीज़ी चीज़ी लगता है। देन उसके बाद ये नमक और काली मिर्ची का पाउडर मिक्स किया था मैंने, तो उसको डाला, और साथ में कॉर्न थे वो भी डाले थे। मेरे बच्चे सिर्फ कॉर्न और पनीर वाला पिज़्ज़ा ही खाते हैं, तो मैंने वो ही बनाया था उनके लिए। बाकी वेजेस वो निकाल देते हैं, तो मैंने फिर उनके लिए डाली भी नहीं थी। देन ऊपर से स्प्रिंकल किया पिज़्ज़ा सीजनिंग, और फिर मैंने इसके ऊपर डाले थे घर के बने हुए पनीर जो कि मैंने तवे पे रोस्ट कर लिए थे। उसके बाद मैंने इसमें क्यूब पिज़्ज़ा क्यूब जो चीज़ क्यूब जो होती है ना वो ग्रेट करी थी, और ऊपर से फिर मैंने इसमें स्प्रिंकल किए चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो। आप चाहें तो इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। और जब पिज़्ज़ा बनता है ना तो हमारा यक्ष जो है ना वो काफ़ी रसोई में ही घूमता रहता है जब तक वो बनता नहीं है, क्योंकि उसको पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। ही लव्स डोमिनोज पिज़्ज़ा। उसके बाद जब बीप की आवाज़ आती है तो मैंने ये प्लेट रख दी थी, और उसके बाद 5 मिनट के लिए पिज़्ज़ा को पका लेंगे। और इसके बाद मैंने क्या ना अपना नाश्ता पहले ही बना लिया था। ये ज्वार के आटे के ढोकले बनाए थे मैंने, तो उसके साथ साथ मैंने फिर चाय भी चढ़ाई थी। देन ये दूसरा पिज़्ज़ा मैं बना रही थी हमारे लिए, ताकि क्योंकि हम लोग सारी वेजीज वाला खाते हैं, तो मैंने प्याज और कैप्सिकम काट ली थी और बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा कि जैसे सॉस लगाना रहता है उस हिसाब से, क्योंकि हम लोग को थोड़ा स्पाइसी पसंद है, तो फिर मैंने पिज़्ज़ा सॉस थोड़ा ज़्यादा लगाया था। देन मोज़रेला चीज़ डाली, वही प्रोसेस रहेगा इसका भी जैसे कि पहले बनाया था। और ये 5 मिनट में मेरा पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ, तो इसकी प्लेटिंग दिखाती हूँ मैं आपको। देन ये पिज़्ज़ा कटर से मैंने इसको कट किया, उसके बाद मैंने इसको प्लेट में सर्व किया, और ये काफ़ी अच्छा निकल के आया। बहुत ही चीज़ी चीज़ी पिज़्ज़ा बना था ये, और उसके बाद मैंने यक्षित को सर्व कर दिया इसको। उसको देखने के बाद ना मेरा छोटा वाला बेटा भी आया कि मुझे भी पिज़्ज़ा चाहिए, तो फिर मैंने उसको भी दिया पिज़्ज़ा। उसके बाद मैंने दूसरा वाला पिज़्ज़ा बनाया, कॉर्न डाले, कैप्सिकम और ऑनियन डाला, साथ ही में मैंने इसमें पनीर डाला था और बाकी चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो और पिज़्ज़ा सीजनिंग, और ऊपर से इसमें चीज़ क्यूब ग्रेट करी थी। सो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।